आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। का कम्युनिकेशन सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से हुआ लॉन्च, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किया प्रवेश। बुलंदशहर हिंसा में आलोचना के बाद बोले सीएम योगी, लोग हमारी तारीफ करें कि हमने साजिश बेनकाब कर दी। गुजरात सरकार ने ग्रामीणों का 625 करोड़ का बिजली बिल किया माफ, 20 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले घोषणा। सुषमा से गले लगकर रोए हामिद, माँ बोली मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान। और सिद्धार्थनगर में मुख्यालय के वन विभाग कार्यालय में फॉरेस्ट पद पर तैनात राघवेंद्र मिश्रा का शव बंदोबस्त कार्यालय के रूम से हुआ बरामद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSLV F-11 GSAT-7A को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग कुछ देर बाद सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश हो गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSLV F-11 GSAT-7A को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग कुछ देर बाद सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। यह सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खास है। इस सैटेलाइट की लागत 500 से 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं जिनके जरिए तकरीबन 3.3 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। और साथ ही इसमें कक्षा में आगे पीछे जाने या ऊपर जाने के लिए बाई प्रोपेलेंट का केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया है। बुलंदशहर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए सराहना होनी चाहिए। बुलंदशहर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए सराहना होनी चाहिए। और इसके साथ ही सीएम योगी ने इस घटना को उनके सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस साजिश को बेनकाब करने में कामयाब रही। बुलंदशहर में गोकशी के शक के बाद हिंसा फैल गई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। एक मुश्त समाधान योजना के तहत ये बकाया माफ किया गया है। राजकोट जिले की जस्तन विधानसभा सीट पर 20 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले गुजरात सरकार की ये घोषणा सामने आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुरूप एक दिन पहले ही कृषि कर्ज माफी के ऐलान के एक दिन बाद गुजरात सरकार ने ये कदम उठाया है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में 6 साल बंद रहने के बाद आखिरकार हामिद अंसारी अपने वतन भारत पहुंच गए। हामिद ने इस दौरान अपनी मां के साथ दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से खास मुलाकात की। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में 6 साल से बंद रहने के बाद आखिरकार हामिद अंसारी अपने वतन भारत पहुँच ही गए। हामिद ने अपनी मां के साथ दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने गले लगाकर हामिद अंसारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री से गले लगते ही हामिद की आंखें भर गई। हामिद की मां भी इस दौरान मौजूद रही और उन्होंने अपने बेटे की वापसी के लिए सुषमा स्वराज को शुक्रिया अदा किया। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।